वेलकम टू जस्ट जयश्री। और आज हम जा रहे हैं नेक्स्ट न्यू जगह पे स्टेकेशन के लिए, तो उसके लिए हमें जाना होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। तो ये है उसका रास्ता जहाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं। आज हम जा रहे हैं ताज बैंगलोर स्टेकेशन के लिए, जो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत ही पास में। तो चलते हैं और देखते हैं ये होटल कैसा है। तो यहाँ से है होटल का रास्ता। तो ये रहा बाहर से ताज होटल का व्यू, और अब चलते हैं हम लोग अंदर। Let's go. तो ये रहा एंट्री गेट। रूम टूर के लिए हमारा नंबर है 203। बजाते हैं बेल। और ये हमने एंटर किया है एग्जीक्यूटिव स्वीट रूम में। तो हमने बुक किया था ताज क्लब रूम, और होटल वालों ने अपनी तरफ से हमें अपग्रेड करके एग्जीक्यूटिव स्वीट दे दिया है। तो चलिए अब रूम टूर शुरू करते हैं। तो एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पर है एक सिटिंग एरिया और एक डाइनिंग एरिया भी है। तो ये रहा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे बहुत अच्छे से सारा डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं, सारे ग्लासेस हैं। आप आराम से यहाँ पे इन रूम डाइनिंग का मज़ा ले सकते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन एज वेल। Everything is very elegant, nice and soothing. ये देख सकते हैं आप। और फिर है इधर, इधर इस कबर्ड के अंदर है आयरनिंग का सारा सामान, ये देखिए। और एक फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा है। यहाँ पे आपको पावर प्लग दिया हुआ है, जिससे कि आप अपना यहाँ पे टी कॉफी बना करके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये कबर्ड के अंदर है टी कॉफी का सेक्शन। यहाँ पे कप्स हैं, बॉटल है, मिल्क है, इलेक्ट्रिक केटल है, और ये है मिनी बार। लेकिन अभी कोविड की वजह से सब कुछ खाली है। और इधर चलते हैं, इधर जाते हैं। तो यहाँ पर है एक अच्छा खासा बहुत ही बड़ा सा वर्क डेस्क है, एक टेबल लैम्प है, और एक अच्छा सा चेयर है जहाँ बैठ के आप अपना जो भी काम हो आप आराम से कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे सारे प्लग, स्विच वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब चलते हैं इधर सिटिंग एरिया जो है उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल सा काउच है, और एक यहाँ पे बैठ करके आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो है, जिसका कर्टन्स मैं हटा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए काउच पे बैठ के आराम से बाहर की ग्रीनरी का मज़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, और वेदर भी काफ़ी अच्छा है। और इधर है टीवी, काउच के जस्ट सामने टीवी है, आप आराम से बैठ के टीवी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का पूरा सिटिंग एरिया का सेटअप। और
ये है एक बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज होटल वालों की तरफ से, बहुत ही अच्छा सा जेस्चर है उनकी तरफ से। ये आप देख सकते हैं जस जयश्री भेल, और ये है पूरा मेरे चैनल का लोगो। कुछ चॉकलेट्स हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं और मुझे इन्हें ज़रूर ट्राई करना है अभी। तो ये है लिविंग रूम एरिया, और अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये है बेडरूम एरिया, इधर है अच्छा सा बड़ा सा एक कम्फी सा बेड, ये रहा आप देख सकते हैं। और बेड के दोनों साइड्स पे हैं बड़े बड़े से लैंप्स, बॉटल, ग्लासेस, और यहाँ पर भी एक अच्छा सा काउच है। और इधर है बेड के ठीक सामने है एक और टीवी, एक था लिविंग रूम में काउच के सामने और यहाँ पर है बेड के सामने। यहाँ भी है एक बड़ा सा विंडो, उसके सामने आप देख सकते हैं काउच है। और ये रहा बेड का पूरा व्यू। बेड के पास में ही है ये ड्रेसिंग एरिया, जहां पर आप देख सकते हैं कॉपर का बॉटल और कॉपर का ही ग्लास रखा है इन्होंने, जो कि बहुत ही थॉटफुल है। इस ड्रेसिंग एरिया में आप आराम से रेडी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके कुछ भी आप सामान रखना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेस है। और इधर है लगेज रखने के लिए स्पेस दिया इन्होंने, ये रहा लगेज रखने का स्पेस। हैंगर्स हैं और एक्स्ट्रा कुशंस भी हैं। और इधर है सेफ, अब ये रहा यहाँ है सेफ, आप अपनी चीजें रख सकते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं बाथरूम की तरफ और हटाते हैं स्लाइडिंग डोर को। एंटर करते ही आपको यहाँ पे मिलेगा काफी बड़ा सा मिरर, जिसमें आप अच्छे से रेडी हो सकते हैं। और इस तरफ है, इधर जाएंगे तो यहाँ पर है टॉयलेट एरिया, और इस तरफ है नहाने का एरिया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे शावर है, सारे एमिनिटीज रखी हुई हैं, हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, चार्जर। यहाँ पे सारे एमिनिटीज जो हैं वो फॉरेस्ट एसेंशियल के हैं। बाथरूम के इस तरफ है एक अच्छा सा बड़ा सा बाथटब, उसके पहले आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर है दो वॉश बेसिन्स, काफ़ी बड़े से वॉश बेसिन्स हैं। और उसके साथ में ही यहाँ पे दो बड़े से मिरर्स भी हैं वॉश बेसिन के साथ ही। यहाँ पर है हेयर ड्रायर, और सारे एमिनिटीज़ रखे हुए हैं, टूथब्रश जो भी होटल्स में होते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग किट। और इधर है काफ़ी अच्छा सा और बड़ा सा बाथटब है यहाँ पे, यहाँ पे बाथरोब भी रखा है। बाथटब के लिए यहाँ पे इन्होंने बाथ सॉल्ट भी दिया है, स्क्रबर भी दिया है, और सारे एमिनिटीज भी यहाँ रखे हैं, तो ये देख सकते हैं। और इधर यहाँ पे इन्होंने एक विंडो दिया है जिसे इन्होंने कवर करके रखा है। ये था स्टेकेशन का पार्ट वन, स्टे ट्यून फॉर पार्ट टू कमिंग सून। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।